दोस्तों आज हम इंडियन नेवी की आईएनएस कवरत्ती एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट के बारे में बात करेंगे। इस शिप को जल्दी से जल्दी इंडियन नेवी के आर्सेनल में ऐड कर लिया जाएगा। ये इंडियन नेवी को एक बहुत ज़्यादा जरूरी फायर पावर बूस्ट प्रोवाइड करेगी। रियर एडमिरल वी के सक्सेना जो कि कोलकाता बेस्ड गार्डन री शिप बिल्डर्स और इंजीनियर शिपयार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि शिप के सभी ट्रायल्स पूरे हो गए हैं और इसकी डिलीवरी इस महीने के एंड तक हो जाएगी। ये शिप जीआरएसई द्वारा बनाई गई एक 104th शिप होगी। ये शिप एक साइलेंट स्टेल्थी सब डिस्ट्रॉयर है, यानी कि ये एक रडार की पकड़ में ना आ सकने वाली ऐसी शिप है जो कि सबमरीन्स का नाश करती है। ये एक चौथी एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है जिसे इंडिया के प्रोजेक्ट 28 में जीआरएसई ने बनाया है। इस प्रोजेक्ट में 4 कॉर्वेट्स बनाई गई हैं जिनमें आईएनएस कमोटा, कदमत, किल्तन और कवरती शामिल है। इस प्रोजेक्ट के लिए पहले 2700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट की कीमत बढ़कर 7000 करोड़ हो गई, लेकिन नेवी ने इसके बारे में शिकायत नहीं की है। ये कॉर्वेट्स दुश्मन की सबमरीन्स को ढूंढकर उन्हें तबाह करने के लिए बनाई गई हैं। ये शिप्स टॉर्पीडोस के इस्तेमाल से सबमरीन्स का नाश करती हैं। इसके साथ ही इस शिप को बनाने वाले ने इन कॉर्वेट्स की रडार रिफ्लेक्टिविटी को कम कर दिया है, यानी कि अब इन्हें रडार से ढूंढ पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी पिछले कुछ दशकों में और ज़्यादा एडवांस हो गई है और अब नई सबमरीन्स भी और ज़्यादा शांत हो गई हैं और उन्हें ढूंढ पाना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब इसीलिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेंसिंग टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अच्छा बनाना होगा। इसके साथ ही इन सबमरीन्स का शिकार करने वाली कॉर्वेट्स को भी और ज़्यादा बेहतर बनाना होगा और इसीलिए इन कॉर्वेट्स को ऐसा बनाया गया है कि इन्हें ढूंढ पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाए। ज़्यादा एडवांस्ड मिलिट्रीज जैसे कि अमेरिका की नेवी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स को डिप्लॉय करती हैं, जो कि 3 स्तंभों यानी कि पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। वो है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनसेंस। अब एंटी सबमरीन वॉरफेयर को सिर्फ एक वेपन सिस्टम की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि अब ये वॉरफेयर दूसरी शिप्स के नेटवर्क, दूसरी सबमरीन्स और प्लेन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इस शिप में एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स हैं जिससे इसकी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस शिप में 17 ऑफिसर्स होंगे और इसमें 100 से ज़्यादा सेलर्स होंगे। ये शिप 3300 टन की डिस्प्लेसमेंट वाली है और इसके हल को इंडिजनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इस कंपोजिट सुपर स्ट्रक्चर के कारण ये शिप और ज़्यादा हल्की हो जाती है और इसकी मैनोवरेबिलिटी भी बढ़ जाती है और स्पीड भी बढ़ जाती है। इस नई टेक्नोलॉजी के कारण ये वॉरशिप 90% इंडिजनस कंपोनेंट्स के साथ होने के कारण इसकी मेंटेनेंस यानी कि इसकी रख रखाव की कीमत भी कम हो जाती है। कमोर्टा जो कि इन एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स में से पहली शिप थी, इसे नेवी को जुलाई 2014 को डिलीवर किया गया था। इसके बाद आईएनएस कदमत को 2015 में डिलीवर किया गया था। इसके बाद आईएनएस किल्तन 2017 में डिलीवर की गई थी। इन सभी शिप्स का नाम प्रोजेक्ट 28 के अंडर का नाम लक्षद्वीप आइलैंड्स के ऊपर रखा गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।